एक ओर जहां शासन प्रशासन जल संरक्षण के लिए योजना बनाकर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा का पाठ और नदी जल स्रोत का महत्व बताने वाले शिक्षक के ऊपर नदी में बने स्टॉप डैम के आसपास की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल कोरिया जिले के सोनहत अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत बाड़ोर से गुजरने वाली हस्तो नदी में बने स्टॉप डैम के आसपास की भूमि कुछ नदी के किनारे हिस्से पर अतिक्रमण करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि हस्तो नदी पर बने स्टॉप डैम में जल का भरा 12 महीने रहता है, जिससे पूरे गांव के 1000 से ज्यादा लोगों का निस्तारी होता है। गांव के इस हस्तो नदी के स्टॉप डैम के पास ही महिला घाट बनाया गया है, जिसे गांव के ही शिक्षक अपनी जमीन बताकर एक छोर में अतिक्रमण कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जीवनदायिनी नदी सूखी पड़ जाएगी और तो और गांव के लोगों का निस्तार सुविधा भी खत्म हो जाएगा। गांव में 1000 आदमी का यहाँ निस्तार होता है इस नदी में, स्टॉप डैम के नीचे, जिसको जयराम गुरु जी के द्वारा ये अपने महिला घाट को पटाई कर रहे हैं खुदवा करके नजायज तरीके से। इसके लिए हम लोगों ने SDM कलेक्टर तक दौरा किए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे समस्याएं है जयराम गुरु जी के द्वारा ये महिला घाट को पूरा खान कोड़ के इधर उधर कर दिया है और 151 जमीन का फर्जी तरीके से पटाई बनवा लिया है उसका। और कलेक्टर से SDM साहब तक हम लोग दौड़ लगाए, पावती भी रखे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और बचपन से ही निवास कर रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ इस स्टॉप डैम के नीचे हमारे गांव के सारे महिला घाट का यहीं पे आना जाना लगे रहता है। कुछ भी कार्यक्रम में कोई इसी का देहांत हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहीं पे आके सब काम धाम करते हैं इसलिए। और यहाँ पे गुरु जी बोले थे कि जगह दे दूंगा, मगर आज तक नहीं दिए हैं और JCB लगा के पूरा खुदाई करवा रहे हैं। और अपने तो यहाँ का तो खुदाई करवा रहे हैं, बगल में हम लोग बचपन से आते हुए पुरखों के जमीन तक भी आगे तक भी खुदाई करवा के अपना कब्जा कर रहे हैं। जबकि 85-86 से 40-47 से हम लोग का पास रिकॉर्ड भी है, अभी के नए रिकॉर्ड में अपना कुछ इधर उधर करके काबिज बनवा के अभी अपने से खुदाई उदाई करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभी 2 दिन पूर्व मुझे जानकारी मिला है, तहसीलदार को मैंने निर्देशित किया है कि मामले की वस्तु स्थिति की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर तत्पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी।